मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। महासमुंद में रुद्राभिषेक हवन पूजा कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। रायपुर में दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री मंत्रालय जाएंगे सीएम और मंत्रालय में विभागों के काम की समीक्षा कर सकते हैं सीएम। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय आज सबसे पहले महासमुंद जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। महासमुंद में रुद्राभिषेक हवन पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम महासमुंद जा रहे हैं। महासमुंद से रायपुर में दोपहर 2 बजे वापस लौटेंगे और मंत्रालय जाएंगे इसके बाद, और मंत्रालय में विभागों के काम की समीक्षा भी कर सकते हैं सीएम। तो लगातार सीएम विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक करते रहते हैं सभी विभागों के साथ और जानकारी लेते हैं कि 7 से 8 महीने का जो ये कार्यकाल है जब विष्णुदेव साय सरकार का, इसमें क्या कुछ काम हुआ है, कहाँ पर और विकास की जरूरत है, किस विभाग में क्या दिक्कत क्या परेशानी आ रही है और लगातार इसको लेकर समीक्षा करते रहते हैं। तो दोपहर 2 बजे रायपुर जाएंगे मुख्यमंत्री और वहां पर मंत्रालय में जाकर वो समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो महासमुंद जाएंगे और महासमुंद में आज सीएम रुद्राभिषेक हवन पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये सीएम विष्णुदेव साय का पूरा स्केड्यूल है आज का। आपको बता दें, आज सीएम सबसे पहले महासमुंद जिले के दौरे पर रहेंगे, वहां रुद्राभिषेक और हवन पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद रायपुर वापस लौट आएंगे, दोपहर 2 बजे मंत्रालय जाएंगे और विभागों की समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं सीएम। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। अनमोल, सीएम आज महासमुंद जाने वाले हैं, रुद्राभिषेक हवन पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्या कुछ खास तैयारी है सीएम के वहां जाने की और क्या कुछ खास रहने वाला है सीएम का ये दौरा? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए सावन का महीना चल रहा है और इस पावन महीने में सीएम जो है अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो पूजा पाठ हमेशा करते हुए नजर आते हैं और आज भी देखिए सीएम जो है पूजा पाठ करेंगे, बकायदा वो विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक करेंगे और दोपहर 12 बजे का वक्त होगा जब वो महासमुंद के लिए रवाना होंगे। वहीं पर जो है रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसी में वो शिरकत करेंगे। इसके बाद फिर वो दोपहर 2 बजे मंत्रालय जाएंगे और मंत्रालय में देखिए समीक्षा बैठक ले सकते हैं, विभागों की समीक्षा कर सकते हैं, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि अब देखिए आगे की 15 अगस्त बीत चुका है तो आगे की जो कार्य योजना है सरकार की आने वाले 2-3 महीनों को लेकर के वो कार्य योजना तैयार किया जाएगा और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसे लेकर सीएम जो है विभागों के साथ अलग अलग अधिकारियों के साथ जो है चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सीएम का दौरा बेहद खास रहने वाला है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, सीएम ऐसे में हर जगह जा रहे हैं, पूजा पाठ जो कार्यक्रम होता है उसमें शिरकत करें और समीक्षा बैठक के बाद भी अनमोल बता रहे थे कि अगले 2 महीने में क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है सरकार की, इसको लेकर समीक्षा बैठक हो सकती है।